पूरे देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। अलग अलग जगहों से भाई बहन के प्यार से जुड़े इस पर्व पर विभिन्न रंगों से सराबोर कई तस्वीरें और झलकियां देखने को मिली। इसी बीच हैदराबाद से एक खबर सामने आई है जो अतुलनीय है। दरअसल एक भाई ने अपनी बहन को राखी पर अपनी किडनी देकर उनको जीवन दान दिया है। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें भाई की कलाइयों पर राखी बांधकर उनके स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। वहीं इस अवसर पर भाई भी बहनों को गिफ्ट देकर उन्हें खुश और उनकी रक्षा करने का वादा करते हैं। यूं तो आमतौर पर एक भाई अपनी बहनों को महंगे उपहार देकर उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार पुणे के इस भाई ने अपनी बहन को जिंदगी का नायाब तोहफा दिया, जिसे शायद पूरी जिंदगी उनकी बहन याद रखेंगी। डायलिसिस के बाद कई स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रही अपनी बहन के जीवन को बचाने के लिए पुणे के रहने वाले एक भाई ने अपनी किडनी दान देने का फैसला किया। दुष्यंत वारकर की बहन शीतल भंडारी ने बताया कि वो डायलिसिस के बाद कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे कमजोरी, अनिद्रा का सामना कर रही थी और इस गंभीर समस्या से कई दिनों से जूझ रही थी, लेकिन इस दौरान उनके भाई ने उनका हर कदम पर साथ दिया और अपनी किडनी देकर उनको जीवन दान दिया। हम लोगों ने 2 इयर्स मेडिकेशन पर थी। मैं तो जब भी मुझे हॉस्पिटल जाना रहता था या व्यू मतलब डॉक्टर के पास जो भी मतलब रिपोर्टिंग एंड ऑल द थिंग्स, माय ब्रदर वाज विद मी इन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। माय ब्रदर वाज विद मी ऑल, मतलब ये पूरे जर्नी में उसका बहुत बड़ा हाथ है और एवरी मतलब विजिट में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन, या तो रिपोर्ट्स ठीक से नहीं आना है, HB ड्रॉप होना है, पोटेशियम बढ़ना है या सोडियम, ऑल द थिंग्स वेर गोइंग ऑन। फिर ऑल ऑफ सडन इतने मतलब आई वॉज प्रॉपरली आई जस्ट कांट मतलब नींद नहीं आती थी मुझे ठीक से। आफ्टर दैट हम लोगों ने भाई ने ऐसे डिसीजन लिया है कि मतलब नो दिस इज टू मच। तो वही उनके भाई बताते हैं कि उनके माता पिता नहीं है और उनकी 2 बहनें हैं, जिसमें से बड़ी बहन शीतल को कुछ समय के बाद किडनी की गंभीर समस्या हो गई। फिर सभी घर वालों की सहमति के साथ उन्होंने अपनी बहन को किडनी देने की ठानी और कई सारे कॉम्प्लिकेशंस के बाद सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस हो गया। मेरे पेरेंट्स दोनों एक्सपायर हो गए, कोविड में पापा गुजर गए और 21 में पापा गुजर गए, 22 में मदर। तो उसके बाद क्या हो गया, देना वाले मैं या मेरी सिस्टर छोटी, ठीक है, छोटी सिस्टर को तो नहीं बोला मैं, तो मैं अप्रोच हुआ, मैं बोला चलो ठीक है मैं देता हूँ। हम लोग फैमिली में बात डिस्कस हुई, मेरे मिसेस ने भी बोला चलो कोई बात नहीं है दी, आप ऐसा कोई बात नहीं है, जो भी है भगवान है ऊपर वाला है। तो इस बात से हम लोगों ने मैं मिसेस मेरी छोटी दीदी मेरी बड़ी दीदी डिस्कस करके मैं बताया दीदी को, तो दीदी ने भी मना किया नहीं यार ऐसा मत कर, तू छोटे लड़के तुझे 2 लड़के हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है मेरा, दीदी को किडनी फिर ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो समय अराउंड 3 मंथ्स है हम लोग आइसोलेशन में। बहरहाल रक्षाबंधन के त्योहार पर पुणे के इस भाई बहन की जोड़ी ने एक मिसाल कायम की है और एक भाई अपनी बहन की जान बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है उसे दुष्यंत वारकर ने दुनिया को दिखाया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आपको ये खास खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों से पल पल रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।